चलिए अभी बात करते हैं दिव्या से और उसका रिव्यू देखते हैं। दिव्या ने क्यों ये यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की उसके बारे में जानते हैं और उसका ओपिनियन जानते हैं। जैसे कि अभी ऑलरेडी 2 महीने हो चुके हैं क्लासेस चालू होके, तो उसको क्लासेस कैसे लगे वो सारी चीज़ें दिव्या से जानते हैं। तो दिव्या पहले अपना इंट्रोडक्शन दो और फिर मुझे आपको कॉलेज में क्या अच्छा लगा, आपने क्यों ये कॉलेज चूज़ की, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च किया था, सारी चीज़ें आप बताओ। मेरा नाम दिव्य शुक्ला है और जैसा कि अमित सर ने बोला वैसे ही मैं 2 बार ऐसे नीट दे चुका हूँ, पर दोनों बार मेरे इतने मार्क्स नहीं थे कि मुझे इंडिया के अंदर एडमिशन मिल जाए। और फिर मैंने सोचा कि शायद MBBS एब्रॉड के बारे में सोच सकते हैं, और उसके बारे में हमने बहुत सारा रिसर्च किया इंटरनेट पर, बहुत सारी कॉलेजों के बारे में देखा, बहुत सारी कंट्रियाँ देखी, पर कई सारी कंट्रियाँ अच्छी भी थी पर वहाँ पर ऐसा था कि 6 ईयर्स का कोर्स था। और उसके बाद हमने किर्गिस्तान के बारे में भी सुना, हामिद सर से कांटेक्ट में है तो हामिद सर ने किर्गिस्तान के बारे में बताया कि वहाँ पे 5 साल का कोर्स है और वहाँ पे कितने सारे इंडियन स्टूडेंट्स भी जाते हैं, यहाँ तक कि फ़्लाइट का खर्चा से लेके वहाँ के कॉलेज का जो खर्चा है वो भी कम है, यहाँ तक कि सारी कॉलेजें वहाँ की जो हैं और खास करके जो जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो MCI और WHO अप्रूव्ड है। इसके अलावा भी हमने बांग्लादेश के बारे में भी इसके बारे में सोचा था कि शायद बांग्लादेश में हम एडमिशन ले लें क्योंकि वो इंडिया से पास में था। तो बांग्लादेश को देखने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगा कि उस कंट्री के अंदर मुझे जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ की जो कॉलेज थी वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत ही ऐसा नहीं लग रहा था कि मेडिकल कॉलेज हो, इसलिए फिर उसके बाद हमने उसके बारे में छोड़ दिया। और उसके बाद पाँच ईयर के कोर्स के अंदर 2 ही कंट्री बच रही थी, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। तो हामिद सर के समझाने के हिसाब से और वहाँ की जो कंट्री के बारे में मैंने रिसर्च किया, वहाँ की कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा और कॉलेज के जो अंदर के जो प्रोफेसर थे वो खास करके इंडियन थे और जो वहाँ के स्टूडेंट्स था उनका मॉरल सपोर्ट भी बहुत अच्छा था। वहाँ के कितने सारे स्टूडेंट्स से मैंने फ़ोन पे बात की, यहाँ तक कि एक स्टूडेंट्स जो मेरी सिटी के अंदर ही थे मैं उनसे मिलने भी गया, उनने भी मुझे वहाँ का अच्छा ओपिनियन दिया। यहाँ तक कि हामिद सर ने मुझे खुद सजेस्ट किया कि वो जगह बहुत ही अच्छी है, तू बेफिक्र होकर वहाँ जा सकता है। तो ये सब देखते हुए यहाँ तक कि जो हमारे 3 महीने से जो हमारे क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट है उसके अंदर जो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जो सर टीचर्स आते हैं वो सब इंडियन है और बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स से वो पढ़ाते हैं। और अगर जैसे कोई बच्चा हो उसको इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर हो तो वो उस क्लास के अंदर के लास्ट 15 मिनट्स में सर से अपना डाउट क्लियर कर सकता है, यहाँ तक कि कोई भी वर्ड नहीं समझ में आ रहा हो तो सर आपको एक्स्ट्रा टाइम देकर 15 मिनट में समझाते हैं। और यही सब देखने के बाद अब मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत सही जगह एडमिशन लिया है और जो पढ़ाई है बहुत अच्छी है, यहाँ तक कि जो एक दूसरे के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मैंने कॉन्टैक्ट भी किया और यहाँ तक कि मैंने खुद भी क्लासरूम के एंड में सर से क्वेश्चन पूछे थे और सर ने बहुत ही अच्छी तरह से मुझे आंसर किया था। और अब हमको यहाँ तक कि कितने सारे कॉलेज ऐसी हैं जिनके अंदर अब कोरोना के होने की वजह से कितने सारे लेक्चर्स बाकी है पर हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर पहले से ही टाइम टू टाइम ऑनलाइन क्लासेस करके सारे कोर्सेज को पूरा किया जा रहा है। अच्छा देवी मुझे एक बात बताओ कि ये जैसे अभी कोरोना चल रहा है 2020 में, जैसे तुमने एडमिशन लिया 2020 में तो कोरोना का टाइम था, तुम्हारी नीट भी पोस्टपोन हुई और उसके बाद नीट हुई, उसके बाद ये कोरोना की वजह से ऐसा लग रहा था कि अभी एडमिशन भी डिले होने वाले हैं। तो तुमने जब एडमिशन लिया तो जैसे बहुत सारी कॉलेजेस में बच्चे गए नहीं हैं, घर पे बैठे हैं एडमिशन लेके, तो तुम्हारा जो एडमिशन हुआ उसके बाद तुम्हारे ऑनलाइन क्लासेस टाइम पे शुरू हो गए थे, कैसा था मुझे कुछ डिटेल में बताओ। जैसा कि सर आपने पूछा वैसे ही हर कॉलेजों के अंदर लेक्चर्स अभी स्टार्ट नहीं किए गए और कई सारे कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों को बुला लिया गया है और वहाँ पे बच्चे हैं पर कोरोना की वजह से लेक्चर स्टार्ट नहीं, पर इस कॉलेज के अंदर जहाँ मैं जा रहा हूँ वो कॉलेज के अंदर टाइम टू टाइम लेक्चर्स भी स्टार्ट कर दिए, यहाँ तक कि मैं इंडिया में सेफ पे हूँ अभी और मेरे सारे ऑनलाइन लेक्चर्स रोज के 2 से 3 लेक्चर होते हैं 2-2 घंटे के, यहाँ तक कि 15-15 दिन पे एग्ज़ाम भी होती है और किसी भी चीज़ का एग्जामिनेशन में या तो लेक्चर्स में कोई डिले नहीं होता है। और रहा पढ़ाई का सवाल तो पढ़ाई तो अच्छी है। तो देखिए जैसे तेरे दोनों सिस्टर डॉक्टर हैं अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो तेरे लेक्चर्स और क्लासेस उन्होंने देखे होंगे तो कैसा लगा उनको क्लासेस तेरे और तुझे कैसा लग रहा है पढ़ाई? जैसे तो बता रहा है कि इंडियन टीचर्स पढ़ाते हैं, जैसे हम तो बहुत सारी कंट्रीज़ में 11-12 सालों से ये काम कर रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ में स्टूडेंट्स को भेज रहे हैं लेकिन वहाँ पे इंडियन टीचर्स बहुत कम मिलते हैं या तो ना बराबर, तो यहाँ पर इंडियन टीचर्स का कोई फ़ायदा होता है आप लोगों को? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहली बात तो यहाँ इंडियन टीचर्स है तो उसका ये फ़ायदा है कि जब आप लेक्चर पढ़ते हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आता तो वो इंडियन होने के वजह से आपको हिंदी में समझा सकता है। और जहाँ दूसरी कंट्रीज़ का सवाल है तो जैसे कजाकिस्तान का अगर आप एग्जांपल ले लें तो वहाँ के लोकल टीचर्स रहते हैं और वहाँ के वो लोकल लैंग्वेज बोलते हैं और यहाँ तक कि जो उनकी इंग्लिश रहती है वो भी ठीक है, आपको समझ में आ जाएगी वैसी रहती है, पर जलालाबाद के अंदर जो टीचर्स वो इंडियन होने की वजह से जो स्टूडेंट्स की तरफ का उनका रिस्पॉन्स है वो पहले से तो अच्छा रहता है क्योंकि वो इंडियन खुद भी हैं और कुछ भी समझने में आपको अगर तकलीफ पड़ती है तो अच्छी तरह समझाते हैं, तो इंडियन टीचर्स का तो बहुत बेनिफिट है। तो ये 2 महीने जो तेरे क्लासेस चले हैं ऑनलाइन कोविड की वजह से, क्या अब तू जा रहा है,
लेकिन 2 महीने में तुझे कैसा लगा रिस्पॉन्स और तेरा व्यूज क्या है कि पढ़ाई कैसी है MBBS की जलालाबाद में? देखिए, अगर जलालाबाद के MBBS की बात करें तो यहाँ की जो कॉलेजेस हैं नॉर्मल MBBS की, अगर कोई भी आप मेडिकल फील्ड की किसी भी कॉलेज के अंदर जाएंगे तो प्रोफेसर्स का रिस्पॉन्स नहीं रहता है, आपको खुद ही पढ़ाई करनी पड़ती है। पर जो जलालाबाद के अंदर इंडियन टीचर्स और वहाँ के जो मेन HOD हैं, उन्होंने खुद हमारे लिए अरेंज किए हैं टीचर्स को, और टीचर्स का रिस्पॉन्स ऐसा है कि जैसे आप उनके खुद के बच्चे हैं और बहुत अच्छी तरह पढ़ाते हो। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता तो भी समझाते हैं, दूसरे प्रोफेसर्स के नहीं कि आपको खुद पढ़ना है, वैसा नहीं है। ओके दिव्या, दूसरी बात, जलालाबाद में जैसे बताते कि 5 साल तक आपको MCA की कोचिंग मिलेगी, जैसे MCA की FMG एग्जाम थी, है ना, अभी तक तो है FMG की एग्जाम, नेक्स्ट ईयर से शायद चेंज होके नेक्स्ट की एग्जाम आएगी, तो FMG की एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं तो आपको क्लासेस की लिंक रेगुलर मिलती है, कैसा है? मॉर्निंग में आपको सब क्लास की लिंक है टेलीग्राम पे, हमारा खुद का ग्रुप है उसके ऊपर मिल जाती है, और आपको टाइम टू टाइम लिंक्स तो प्रोवाइड होती है। उसके साथ अगर लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ तो लेक्चर के अंदर जितना भी पढ़ा है उन सबकी PDF भी आपको उस ग्रुप के अंदर सेंड कर देते हैं, और यहाँ तक कि हमारे लिए स्पेशल एक शोर है कि आपको किसी भी चीज़ का डाउट है, या तो लिंक में प्रॉब्लम आ रही है या तो क्लास में कोई इशू, आप PDF आपके पास नहीं आई, तो आप उन सर को स्पेशली मैसेज करके आपको भेज देंगे। ओके, तो अल्टीमेटली तुझे ऐसा लग रहा है कि MBBS करने के लिए जलालाबाद तुम जो चूज किया है वो तेरा डिसीजन सही है, राइट? क्योंकि जलालाबाद का जो भी बजट है और यहाँ तक की जो पढ़ाई, सर का रिस्पॉन्स, यहाँ तक कि आपने जिस हिसाब से मेरा वहाँ एडमिशन कराया, सब चीज़ से मैं जलालाबाद से सेटिस्फाइड हूँ। जैसे देवी, अभी तुम्हारे ऑनलाइन क्लासेस 2 महीने से चल रहे हैं, लेकिन अब फाइनल डेट आ चुका है तुम्हारा, 28 जनवरी 2021 को तुम जा रहे हो, सारे स्टूडेंट्स एक ही साथ दिल्ली से जा रहे हैं, 250 बच्चे जलालाबाद के एक ही साथ में जा रहे हो आप लोग, तो कुछ मैसेज देना चाहेगा 2021 में जो नीट क्लियर करने वाले इस साल जो बच्चे और जिनको इंडिया में एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो तेरा जो ये सफ़र था, तेरी जो ये सर्च थी एडमिशन के बारे में, अब्रॉड के बारे में, जो तुमने जितना सर्च किया है, जितने एजेंटों से मिला है, जितनी कॉलेजेस सर्च किए हैं, उसके बाद में तुमने ये चूज़ किया है, तो तू कुछ मैसेज देना चाहेगा उनको? देखिए, बात ऐसी है ना कि अब MBBS आप यहाँ से करें कि वहाँ से करें, किसी चीज़ का फ़र्क नहीं, क्योंकि FMG जाने वाला है। पहले कैसा था कि अगर आप बाहर से फॉरेन कंट्री से पढ़ के आते तो आपको FMG एग्ज़ाम देनी पड़ती थी, पर अब कैसा है कि आप यहाँ से पढ़े, यहाँ की किसी सिटी से पढ़े या तो बाहर कहीं से भी करके आए, आपको FMG तो देनी नहीं है, सबको नेक्स्ट देनी है, तो अब कोई भी किसी भी चीज़ का फ़र्क नहीं कि आप वहाँ से MBBS करें या तो यहाँ से MBBS करें। और अगर आपके मार्क्स नहीं आते हैं तो ड्रॉप आउट एक ऑप्शन है, पर उसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। और अगर आप बाहर की कंट्री में जाते हैं तो MBBS का तो उतना कोई डिफरेंस है नहीं, और आपको एंट्रेंस एग्जाम तो सबको देनी है, और यहाँ तक कि जहाँ तक मैंने सर्च किया और मैंने देखा है, यहाँ की कॉलेज से पढ़ाई वहाँ पे ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि पहले से प्रोफेशनली वहाँ पे सब पहले तो पूरा इंग्लिश मीडियम में रहता है, और अच्छी तरह सर का रिस्पॉन्स भी रहता है, और इंडियन प्रोफेसर्स का रिस्पॉन्स वहाँ से तो कम ही है, तो आप चूज़ कर सकते हैं वहाँ जाने के लिए। तो दोस्तों, ये था आज का स्पेशल इंटरव्यू जो संजय जी के थ्रू हमने सुना और दिव्या के थ्रू सुना। दिव्या जा रहा है जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में 28 जनवरी 2021 को, तो हम उसको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, और वहां जाके वो अच्छे से पढ़ के एक अच्छा सा डॉक्टर बन के इंडिया में आए, उसके लिए हम बहुत सारे ढेर सारी उसको शुभकामनाएँ देते हैं। थैंक यू वेरी मच।